नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ में हूं रवि ठाकुर। महाराष्ट्र का चुनावी बिगुल बजे, 3 दिन बीत चुके हैं लेकिन अब तक ना तो सत्ताधारी महायुति की ओर से सीट शेयरिंग का कोई औपचारिक ऐलान हुआ है, ना ही विपक्षी महाविकास आघाड़ी ने अपना कोई फॉर्मूला सार्वजनिक किया है। दोनों गठबंधन में अब भी कई सीटों पर पेच फंसा हुआ है। इस बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने अपने अपने गठबंधन की चिंता बढ़ा दी है। आखिर अब तक क्यों नहीं सुलझ पाया है दोनों गठबंधन में सीट बंटवारे का पेच? और हम ये क्यों कह रहे हैं कि जो जीतेगा सीट शेयरिंग उसी के हाथ होगी सत्ता की स्टेयरिंग? ये रिपोर्ट देखिए। दो सौ 16 सीट पर चर्चा हो चुकी है, उसमें से 84 सीटों पर स्क्रीनिंग हुई है। हमारे तीनों पार्टी का जो फार्मूला है वो भी निश्चित है। फार्मूला एक ही है जीतने का, कौन सी जीतने का वो फार्मूला है। फार्मूला तय, कब ऐलान, सीट पर जारी है घमासान। एनडीए में अठावले, इंडिया में अखिलेश, सीट शेयरिंग में कहां फंसा रहे पेच? हमारी कोशिश होगी कि इंडिया गठबंधन के साथ लड़े, सीटें मांगी हैं। देवेंद्र फडणवीस जी को हमने एक पत्र दे दिया था और उसमें एक ही जगह की मांग हमने की थी और एक ही जगह में से 8-10 सीटें हमको मिलनी चाहिए। बीजेपी कांग्रेस के उम्मीदवार तय, शिंदे, अजित, उद्धव, शरद को कहां संशय? महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने के बाद इस वक्त सबकी निगाहें सीट शेयरिंग पर टिकी हुई है। किस गठबंधन का क्या फॉर्मूला होगा, किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाएंगी, किस अलायंस में कौन सा दल बड़े भाई की भूमिका में होंगे, कौन मंझले और कौन छोटे भाई का रोल प्ले करेगा, ये तमाम सवाल इस वक्त महाराष्ट्र की सियासत की हर गलियों में गूंज रहा है। हर कोई इन तमाम सवालों का जवाब जानने को उत्सुक है। ऐसा इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र के इतिहास में शायद ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि दो गठबंधन के बीच लड़ाई में दोनों तरफ 3-3 कद्दावर नेताओं और मजबूत पार्टियां एक दूसरे के साझेदार हैं। एक तरफ एनडीए का महायुति है तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन का महाविकास अखाड़ी है। महायुति में जहां बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी शामिल है तो वहीं महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस के साथ उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी और शरद पवार की एनसीपी शरद का गठबंधन है। दोनों ही तरफ सीट शेयरिंग को लेकर इस वक्त घनघोर मंथन चल रहा है। महायुति हो या महाविकास आघाड़ी, दोनों ही अलायंस पिछले कई महीनों से सीट बंटवारे पर मंथन कर रहे हैं लेकिन बावजूद इसके अब तक कोई भी गठबंधन प्रदेश की सभी 288 सीटों पर अपने सहयोगी दलों के साथ फाइनल तालमेल बिठाने में कामयाब नहीं हो पाए। हालांकि दोनों अलायंस का ये दावा जरूर है कि वो काफी हद तक सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को अपने पार्टनर्स के साथ सुलझा लिया। आपको सबसे पहले महाविकास आघाड़ी में सीट बंटवारे की गाड़ी कहां तक पहुंची ये बता दें। कांग्रेस के एक सीनियर नेता ने दावा किया है कि महाविकास आघाड़ी में 216 सीटों पर तीन दलों के बीच आपसी सहमति बन गई, बाकी के 72 सीटों पर भी जल्द बात फाइनल कर ली जाएगी। इस बीच सूत्रों के मुताबिक खबर है कि तीनों दलों में सीटों की संख्या को लेकर बात बढ़ गई है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस 100 से 105 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, वहीं उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी के खाते में 90 से 95 और शरद पवार की एनसीपी शरद के हिस्से में 80 से 85 सीट आने वाली है। इस फॉर्मूले को देखें तो महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में रहने वाली है। 216 सीट पर चर्चा हो चुकी है, 66 सीट बचे हैं। कल तक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर सीटों का बंटवारा हम लोग डिक्लेयर करेंगे। अच्छा कंडीशन हमारे बीच में है, जल्द से जल्द हमारा सीट का बंटवारा जल्द से जल्द होगा, उसका हम डिक्लेरेशन जल्द से जल्द करेंगे। और जिस प्रकार से हमारा कोऑर्डिनेशन है तीनों पार्टी का, अच्छा कोऑर्डिनेशन होने के नाते 100% ये चुनाव महाविकास आघाड़ी जीतेगी। सरकार महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की बनेगी। 15% सीटों के ऊपर निर्णय लेना बाकी है, उसके ऊपर भी चर्चा होगी और जल्द से जल्द उसके बारे में निर्णय होगा। आज की हमारी आखिरी बैठक हो सकती है,
आज के बाद बैठक नहीं हो सकती शायद, क्योंकि आज हमको पूरा जो विषय है सीट से बंटवारे का वो खत्म करना पड़ेगा क्योंकि चुनाव की घोषणा हुई। सूत्रों की माने तो महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी में ज्यादातर उन सीटों पर पेच फंसा है जो कि मुस्लिम बाहुल्य है। बताया जा रहा है कि मुस्लिम बाहुल्य सीटों के लिए ज्यादातर कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की पार्टी आमने सामने है। कांग्रेस का कहना है कि उसकी मुस्लिम वोटरों पर अच्छी पकड़ है, लिहाजा उसको ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए। उधर उद्धव ठाकरे की पार्टी का तर्क है कि हाल ही में वो लोकसभा चुनाव में मुस्लिम बाहुल्य इलाके में मुस्लिम वोटरों ने उसे जमकर वोट किया, लिहाजा ज्यादातर सीटें शिवसेना यूपीटी को मिलना चाहिए। यही वजह है कि अब तक सीट बंटवारे को लेकर इन पार्टियों में अब तक तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। विवादास्पद कुछ नहीं है, हमारे पहले भी शिवसेना को 13, कांग्रेस को 8 और एक सीट समाजवादी, ऐसे 22 सीटों पर हमारा ऑलरेडी हो चुका था। कल भी हमने 8 सीट क्लियर कर लिया, 22 और 8 होते हैं 30, अब बचे 6 सीट। यानी महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस और शिवसेना यूपीटी के बीच एक बात क्लियर हो गई कि कांग्रेस जहां ओवरऑल सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वहीं मुंबई में शिवसेना यूबीटी ही बड़े भाई की भूमिका में रहेगी। सूत्रों की माने तो मुंबई के 36 में से सबसे ज्यादा 18 सीटों पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी चुनाव लड़ेगी, वहीं कांग्रेस के खाते में 15, एनसीपी शरद को 2 और 1 सीट अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को मिल सकती है, जबकि समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में ओवरऑल 12 सीटों की मांग कर रही है। हालांकि सूत्रों की माने तो समाजवादी पार्टी को ओवरऑल 3 सीटें दी जा सकती है। इंडिया गठबंधन जीते वहां पर जो दल है आदरणीय शरद पवार जी का, वहां पर जो पूर्व मुख्यमंत्री उनका दल है और समाजवादी पार्टी अन्य दल, हमारी कोशिश होगी कि इंडिया गठबंधन के साथ लड़ें। सीटें मांगी हैं और हमें उम्मीद है कि जहां हमारे 2 विधायक थे और हमें सीटें भी ज्यादा देंगे और हम पूरी मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन के साथ खड़े होंगे। अकेले जी उनके बड़े, उनके सृष्टि है, उनके अध्यक्ष है, समाजवादी पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट है, स्वाभाविक है उनसे बात करना, वो भी बात करेंगे उनके लेवल पर, राहुल जी के लेवल पर वो भी बात करेंगे। पर समाजवादी पार्टी के साथ जैसा यूपी में हुआ वैसा ही समझौता महाराष्ट्र में हमारा होगा, इसमें कोई हमें तकलीफ नहीं लगती। इधर कांग्रेस ने अपनी तैयारी लगभग पूरी कर ली। कांग्रेस के नेशनल स्क्रीनिंग कमेटी ने अपने 84 उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की और पार्टी की ओर से दावा किया गया है कि 20 अक्टूबर को शाम तक उनकी पहली लिस्ट जारी हो सकती है। 84 सीटों पर स्क्रीनिंग हुई है, हमारे यहाँ प्रोसेस होती है पार्टी के अंदर में, स्क्रीनिंग के बाद में सीईसी के सामने ये मसला जाता है और सीईसी उसको अंतिम मान्यता देने के बाद में ही उम्मीदवार डिक्लेयर होते हैं। कांग्रेस की पहली लिस्ट कल 20 तारीख को शाम तक आने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी कुछ सीटें अनाउंस करने जा रही है तो मुझे ऐसा लगा कि मैं उनका हिस्सा हूँ, उनका साथी हूँ और वो अनाउंस कर देंगे, कहीं वही सीटें अगर उसमें होंगी जिसमें जो मैंने मांगा है तो मेरा कार्यकर्ता उसी दिन से चिल्लाना शुरू कर देगा कि लगता है अलायंस टूट गया, अलायंस टूट गया। इसलिए मैंने कहा कि हमें कॉन्फिडेंस में लेके अनाउंस कीजिए। हमने 12 सीटें मांगी है, हमारी एक मीटिंग हुई थी इसमें महाविकास अघाड़ी में और मैंने जिन सीटों की बात की उसमें कोई अपोज नहीं हुआ था, लोगों ने अच्छी तरह बातें सुनी, मुस्कुरा के हंस के बातें हुई थी कि कुछ सीटें देने में कोई एतराज नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर कहां पीच फंस रहा है, तो ये भी समझ लीजिए। पिछले लोकसभा चुनाव में भी जो दोनों अलग अलग गठबंधन है महाराष्ट्र में, दोनों में ही सीटों का विवाद बिल्कुल आखिरी समय तक चलता रहा और फिर इस बार की कोई कथा बदल नहीं रही है, वैसी ही कथा है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्थिति ऐसी है कि महाविकास अघाड़ी जो है विपक्ष की, कांग्रेस शरद पवार और उनकी साथी दल की जो पार्टी है, ये इसमें जो है वो ज़्यादा खींचतान है, उनको लग रहा है कि उनकी सत्ता आ रही है, इसलिए ये लड़ाई अलग तरह की है। लड़ाई मुख्यमंत्री पद की है, शिवसेना के उद्धव ठाकरे तभी मुख्यमंत्री दोबारा बन पाएंगे जब उनकी पार्टी नंबर 1 बनेगी, कांग्रेस को लग रहा है वो नंबर 1 है, तो इसलिए वो मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषणा कर रहे हैं और वो लड़ाई सीटों को लेकर, जितनी ज्यादा सीटें होंगी उतनी जीतने का अवसर होगा और मुख्यमंत्री पद। अब बात सत्ताधारी महायुति की। महाविकास अघाड़ी की तरह महायुति भी अभी तक किसी फाइनल नतीजे पर नहीं पहुंचा। हालांकि गठबंधन में शामिल दलों का दावा है कि 230 से 235 सीटों पर तीनों पार्टियों के बीच सहमति बन गई।
सूत्रों के मुताबिक 155 से 160 सीटों पर खुद बीजेपी चुनाव लड़ेगी। वहीं शिवसेना शिंदे गुट को 65 से 70 सीटें मिलने की उम्मीद, जबकि एनसीपी अजीत पवार गुट को 50 से 55 सीटें दी जा सकती। हमारे तीनों पार्टी का जो फार्मूला है वो भी निश्चित है, दो तीन दिन में फार्मूला ही बाहर आ जाएगा। फार्मूला एक ही है जीतने का, कौन सीट जीतेगा वो फार्मूला है। तीसरा प्रश्न हमारा है कि महायुति जनता भी जाएगी, हमारा मैनुफैक्टोम देंगे। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से मोदी जी की सरकार पांच साल है और महाराष्ट्र की सरकार 5 साल बनती है, तो डबल इंजन सरकार महाराष्ट्र का जनता का भला कर सकती है, महाराष्ट्र को विकास की ओर लेके जा सकती है। बहुत आनंदपूर्ण वातावरण में हमारा फीचरिंग हो चुका है। कुछ ही दिनों में हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब, देवेंद्र फडणवीस साहब और अजीत दादा प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे और सीट शेयरिंग जाहिर करेंगे। सीटों का बंटवारे के लिए हमने बहुत जगह पर वहां पे सहमति की गई है। आने वाले दो चार दिनों में बचे हुए जगह के बारे में भी निर्णय वहां पे लिया जाएगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस करीबन मुझे लगता है 1.5 महीना से हमने जन सम्मान यात्रा अजीत दादा के नेतृत्व में महाराष्ट्र में शुरू की है। सभी बहुतांश विधानसभा क्षेत्र में हम जाके हमारी जन सम्मान यात्रा को बहुत अच्छा प्रतिसाद जनता की तरफ से, खासतौर पर महिलाओं की तरफ से हमको मिला है। तय करेंगे आने वाले दिनों में। बाकी सूत्रों के माने तो महायुति में कुछ सीटों पर तीनों दलों की दावेदारी की वजह से पेच फंस रहा। इनमें से कुछ सीटों पर बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना आमने सामने आ गई। इस मसले को सुलझाने के लिए खुद बीजेपी के दिग्गज नेता अमित शाह ने पहल की है। सूत्रों के माने तो एक बैठक के दौरान अमित शाह ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से कहा कि आपके लिए हमारे लोगों ने बलिदान दिया है, यानी संदेश साफ है कि सीट शेयरिंग में शिंदे की सेना को कुर्बानी देनी होगी। दरअसल इस सरकार में बीजेपी के 100 से ज्यादा विधायक होने के बावजूद इस बार बीजेपी के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, उनको उप मुख्यमंत्री पद से समझौता करना पड़ा है। तो 40 से कम विधायक होने के बावजूद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बने हुए हैं। इसी के बहाने बीजेपी अब शिंदे से सीट बंटवारे में कॉम्प्रोमाइज करने की उम्मीद कर रही। बीजेपी शिंदे को याद दिला रही कि उनसे दिगुना विधायक होने के बावजूद भी उनकी पार्टी डिप्टी सीएम की भूमिका में, लिहाजा सीट शेयरिंग पर इसका ख्याल रखे। एकनाथ जी के साथ माननीय अमित भाई क्या बातचीत की है मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं था उस मीटिंग में, लेकिन ये भावना कार्यकर्ता की तो है कि सबसे बड़ी पार्टी, 113 विधायकों की पार्टी, उस पार्टी का डिप्टी सीएम है और डिप्टी सीएम देवेंद्र जी उसमें है, तो सरकार ने ज्यादा से ज्यादा ख्याल 113 विधायक की पार्टी पर देना चाहिए। पिछले बार हम 160 के ऊपर सीट लड़े थे, तो भावना कार्यकर्ता की कम से कम ऐसी सीटें हम लड़े तो ठीक है। तो भी हमने निर्णय किया है कि एकनाथ जी, अजीत दादा, देवेंद्र जी ये बैठकर, हमारी पार्टी बैठकर जो भी महायुति जीतने के लिए जो जो सीटों का बंटवारा होगा वहां पर हम अच्छे से लड़ेंगे। सीटों का आग्रह नहीं है, जीतना जीत सकते वहां पर हम सब लोग मिलकर जीतने के लिए प्रयास करेंगे, नंबर में गेम में नहीं फंसेंगे। ऐसे में जिन सीटों पर भी बीजेपी और शिंदे की शिवसेना आमने सामने है, उनमें से ज्यादातर पर शिंदे को अपने कदम पीछे खींचने पड़ेंगे। बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना तो दिया है और उनके तहत चुनाव भी लड़ रही है, लेकिन चुनाव के बाद अगर बीजेपी फिर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी और उसके पास अगर ज्यादा सीटें हुई, सरकार बनाने की बारी आई, तो निश्चित है कि एकनाथ शिंदे को फिर मौका नहीं मिलेगा। ये स्थिति है, तो वहाँ जो लड़ाई है वो उसी तरह की दोनों लड़ाइयाँ जारी हैं और ये लड़ाई बिल्कुल मुझे लग रहा है कि जिस दिन नाम वापसी होगी चुनाव की उस दिन तक ये, और शायद उसके बाद भी चल जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। चूंकि महायुति में भी कई और पार्टियां शामिल हैं, लिहाजा सीट शेयरिंग में उन्हें भी हिस्सा देना होगा। सूत्रों के माने तो बीजेपी अपने कोटे से कुछ सीटें अपने छोटे सहयोगियों को दे सकती है, जिसमें नवनीत राणा के पति रवि राणा, रामदास अठावले की पार्टी आरपीआई और महादेव जानकर की पार्टी राष्ट्रीय समाज पक्ष शामिल है। हालांकि बताया जा रहा है कि सीट शेयरिंग की मीटिंग में तवज्जो नहीं मिलने से महादेव जानकर फिलहाल नाराज चल रहे हैं और अकेले चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। हालांकि उस बीच रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले के अध्यक्ष रामदास अठावले ने 21 सीटों की डिमांड कर बीजेपी की चिंता बढ़ा दी। देवेंद्र फडणवीस जी को हमने एक पत्र दे दिया था
और उसमें एक ही जगह की मांग हमने की थी और एक ही जगह में से एक 8-10 सीटें हमको मिलनी चाहिए, इसी तरह का आग्रह हमने उनको किया था। अभी तक मतलब कौन से पार्टी को कौन सी सीट मिलने वाली इसका कोई अभी क्लियरेंस अभी नहीं है, लेकिन अभी देवेंद्र फडणवीस जी से हमारी बात हुई है और उन्होंने बोला है कि हमारे मन में जरूर है कि रिपब्लिकन पार्टी को कुछ सीटें दे देनी है, कितनी मिलेगी अभी मालूम नहीं है, लेकिन सीटें आगे पीछे हो सकती है। इधर महायुति में बड़े भाई की भूमिका निभा रहे बीजेपी ने अपनी तैयारी को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया। बीजेपी के केंद्रीय चुनाव समिति ने अपनी पार्टी से महाराष्ट्र के करीब 110 उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लगा दी। इन उम्मीदवारों के नाम की घोषणा 20 नवंबर को हो सकती है। सीईसी ने बाकी बचे सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय करने का जिम्मा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर छोड़ा। सूत्रों की माने तो बाकी बचे सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए अब दोबारा सीईसी की मीटिंग नहीं होगी। बाकी की सीटों पर बीजेपी अपने गठबंधन के साथियों शिवसेना शिंदे और एनसीपी अजित पवार के साथ सीटों के बंटवारे के बाद उम्मीदवार तय करेगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने कोटे से ज्यादातर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा भले ही करने जा रही हो, लेकिन सीट शेयरिंग का औपचारिक ऐलान अभी तक नहीं हुआ और जब तक सीट बंटवारे पर फाइनल मुहर नहीं लग जाती है तब तक ये कहना भी मुश्किल है कि अब की बार महाराष्ट्र में किसका पलड़ा भारी रहने वाला है, क्योंकि माना जा रहा है कि जो जीतेगा सीट शेयरिंग उसी के हाथ रहने वाली है सत्ता की स्टेयर। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। एक तरफ जहां सीट शेयरिंग को लेकर दोनों गठबंधन में पेच फंसा हुआ है, वहीं सीएम फेस को लेकर भी दोनों गठबंधन एक दूसरे के आमने सामने हैं। उद्धव ठाकरे के बयान के बाद देवेंद्र फडणवीस ने जो महाविकास आघाड़ी पर पलटवार किया था उस पर महाविकास आघाड़ी की ओर से भी तंज कसा गया है। ये रिपोर्ट देखिए। महाविकास आघाड़ी और महायुति के बीच मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर भी तलवारें खींच गई। दोनों गठबंधन सीएम फेस को लेकर पहले आप तो पहले आप वाले फॉर्मूले के हिसाब से एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। इसकी शुरुआत बीती 13 अक्टूबर को महाविकास आघाड़ी की ओर से हुई थी। तब साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे ने कहा था कि पहले सत्ताधारी महायुति अपने सीएम फेस का ऐलान करे, उसके बाद महाविकास आघाड़ी करेगी। निवडणूक महाविकास आघाड़ी आणि महायुति अशी होणार आहे। जसं आमच्याकडनं तुम्ही मुख्यमंत्री पदाचा चेहरा अपेक्षित करता आहात, मी तर असं म्हणेन की जे सत्ताधारी आहेत त्यांनी पहिले जाहीर केलं पाहिजे की त्यांचा मुख्यमंत्री पदाचा चेहरा कोण, त्यांचा जाहीर झाला रे झाला की पाहिजे आम्ही आमचा चेहरा जाहीर करू। जबकि ठाकरे के इस बयान पर महायुति सरकार में डिप्टी सीएम की भूमिका निभा रहे और बीजेपी के कद्दावर नेता देवेंद्र फडणवीस ने पलटवार करते हुए कहा कि हमारे सीएम तो हमारे साथ है, महाविकास आघाड़ी अपना कैंडिडेट बताए। पहले तो लक्षात ठेवा, सत्ता पक्षाला चिंता नहीं, मुख्यमंत्री स्वतःच बसलेले आहेत, त्यांना विचारा तुमचा चेहरा तर सांगा, एकदा चेहरा सांगा तुमचा, मी पवार साहेबांना आव्हान करतो। अब फडणवीस के इस बयान पर कांग्रेस के महाराष्ट्र अध्यक्ष नाना पटोले ने पलटवार किया। तुमने बताना चाहिए ना तुम्हारा कौन सीएम है, पहले अपनी कहानी बताना चाहिए। फडणवीस एक झूठ बोलने वाला आदमी है, इसलिए फडणवीस की बातों में मत जाए। खैर, चुनाव का वक्त है तो इस तरह के वार पलटवार तो होते रहेंगे, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि अगले महीने की 23 नवंबर को जब महाराष्ट्र विधानसभा के नतीजे घोषित होंगे तो उसमें कौन बाजी मारता है।